हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है दिसंबर 2020 के थर्ड वीक की है और ये आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स जैसे आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई इन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश ए न्यू चैनल टू मेक बैंकिंग सर्विस एक्सेसिबल टू इट्स कस्टमर इन देयर नेबरहुड वॉज लॉन्च्ड बाई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक नया चैनल बनाया है जिसके माध्यम से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वह कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाएंगी उनके पड़ोस में ही। तो आपसे पूछा है उस चैनल का नाम क्या है, तो उस चैनल का नाम है मनी मित्र। यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है मनी मित्र। मनी मित्र के माध्यम से जो बैंकिंग, जो रिटेल बैंकिंग सर्विसेज हैं वह अपने कस्टमर्स को उनके नेबरहुड जो रीजंस हैं वहीं प्रोवाइड करेगा। यानी मनी मित्र एक ऐसी फैसिलिटी है जो एंटरप्रेन्योर्स ऑफ लोकल बिजनेसेस लाइक किराना, मेडिकल स्टोर और जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं उनके माध्यम से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको रिटेल बैंकिंग सॉल्यूशन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। अब बात करते हैं हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ हैं नितिन चुग। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसको फाउंड किया गया था 2017 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम द बैंक दैट हैज अप्रूव्ड $2.5 मिलियन रुपीज 18 करोड़ अप्रोक्स टेक्निकल असिस्टेंस टू सपोर्ट एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी उस बैंक का नाम बताना है जिसने इंडिया में एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर $2.5 मिलियन का फंड अप्रूव किया है। तो ये किया है एडीबी ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पर $2.5 मिलियन करीब 18 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन जैसी समस्या है उनको कम करने में हेल्प मिले। तो आपको याद रखना है $2.5 मिलियन का फंड एडीबी ने दिया है। अब बात करते हैं एडीबी की। तो इसका हेडक्वार्टर है मंडलायुंग मनीला फिलीपींस में और इसको फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में और इसके प्रेसिडेंट हैं मतास्कु अशकावा और वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 68। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टाइड अप विद ऑर्बिट रेमिट लिमिटेड टू फैसिलिटेट लो कॉस्ट मनी ट्रांसफर टू इंडिया बाई एनआरआई और स्मॉल बिजनेस इन न्यूजीलैंड। यानी किस बैंक ने ऑर्बिट रेमिट लिमिटेड के साथ टाई अप किया है जिसमें इंडिया में जो फंड ट्रांसफर है वह लो कॉस्ट पर किया जाएगा बाय एनआरआई और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं न्यूजीलैंड के। तो ये किया है फेडरल बैंक ने। यानी फेडरल बैंक ने ऑर्बिट रेमिट लिमिटेड के साथ एक टाई अप या एक पार्टनरशिप की है जिसमें न्यूजीलैंड में जो एनआरआईज हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके माध्यम से इंडिया में लो कॉस्ट चार्ज पर जो मनी ट्रांसफर है वह प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। तो इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द इंश्योरेंस रेगुलेटर हैड इंस्ट्रक्टेड ऑल जनरल एंड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर विल हैव टू ऑफर द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज विद अ कैप ऑफ ₹1 करोड़ एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, उन्होंने सभी जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर को कुछ गाइडलाइंस जारी की है या इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसमें जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करेंगे 1 करोड़ रुपीज तक की, तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे एज पर IRDAI गाइडलाइंस। तो आपसे पूछा है ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कब से फॉलो करने होंगे, तो ये करने होंगे 1 अप्रैल 2021 से। देखिए इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है इनको रेगुलेट करता है IRDAI। उन्होंने सभी जो जनरल इंश्योरेंस या जो स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरर हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं जिसमें यदि कोई इंश्योरर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की जारी करता है या ऑफर करता है तो उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस हैं 1 अप्रैल 2021 से लागू करने होंगे। ओके, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके
और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं उनका बेनिफिट दिया जा सके। तो आपको याद रखना है ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं सभी इंश्योरेंस कंपनीज को 1 अप्रैल 2021 से लागू करने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टू कंपनीज टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 82% ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एज पर द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नवंबर 2020 डेटा। यानी एनपीसीआई ने डेटा जारी किया नवंबर 2020 में, उसके अनुसार जो यूपीआई पेमेंट्स है मोर देन 82% ये दो कंपनियों ने एक साथ अचीव किया है। तो ये कौन सी दो कंपनी है? तो ये है गूगल पे और फोन पे। यानी एनपीसीआई ने नवंबर 2020 में एक डेटा जारी किया जिसके माध्यम से बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई करने वाली दो कंपनीज हैं जिन्होंने 82% से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हैं वह किए हैं। तो ये गूगल पे और फोन पे के माध्यम से किए गए। अब बात करें गूगल पे की, तो इन्होंने 960.02 मिलियन ट्रांजेक्शन किए हैं और इनका जो टोटल आउटले है या टोटल अमाउंट है ये 1.61 ट्रिलियन रुपीज है। अब बात करें फोन पे की, तो फोन पे ने 868.4 मिलियन ट्रांजेक्शन किए हैं और जिसका अमाउंट है करीब 1.75 ट्रिलियन। तो आपको याद रखना है एनपीसीआई के अनुसार 82% से ज्यादा यूपीआई करने वाले फोन पे और गूगल पे हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस टू इश्यू गाइडलाइंस फॉर एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज विद रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंट अंडर विच सेक्शन डज द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कंप्लाइंस विद मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर डिविडेंट इन द आरबीआई एक्ट 1934। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं रिगार्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसके लिए एनबीएफसीज को किस सेक्शन के अंतर्गत जो मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स है टू डिक्लेयर द डिविडेंड एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वह फॉलो करनी होंगी। तो ये है सेक्शन 45IC। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है एनबीएफसी कंपनीज के लिए टू रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। यानी जब कोई एनबीएफसी बैंक डिविडेंड जारी करती है तो उसके लिए जो मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 45IC के अंतर्गत उन्हें फॉलो करना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड ए 3-in-1 अकाउंट ट्राइपार्टाइट अकाउंट्स दैट कंप्राइजेस सेविंग ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट फॉर इट्स कस्टमर्स इन दिसंबर 2020। यानी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 अकाउंट्स को लॉन्च किया है यानी ट्राइपार्टाइट अकाउंट्स को जिसमें सेविंग ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट अपने कस्टमर्स को दिसंबर 2020 से प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 अकाउंट्स यानी ट्राइपार्टाइट अकाउंट्स को लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए। इसके अंतर्गत उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सेविंग ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको याद रखना है 3-in-1 अकाउंट ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने कस्टमर के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी हैज स्टैंडर्डाइज्ड ऑल हेल्थ पॉलिसी फॉर रोबोटिक एंड बायरेट्रिक सर्जरीज इन दिसंबर 2020। यानी किस रेगुलेटरी ने जो स्टैंडर्डाइज हेल्थ पॉलिसीज हैं फॉर रोबोटिक और बायरेट्रिक सर्जरी दिसंबर 2020 से? तो ये है IRDAI ने। यानी कि IRDAI ने जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रोबोटिक और बायरेट्रिक सर्जरीज हैं उनको लागू किया जाएगा दिसंबर 2020 से। अब बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसको फाउंड किया गया था 1999 में। इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो आपको याद रखना है IRDAI ने जो स्टैंडर्डाइज ऑल हेल्थ पॉलिसीज हैं फॉर रोबोटिक्स और बायरेट्रिक सर्जरीज ये दिसंबर 2020 से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर विद हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड थ्रू हक दर्शक MSME प्लेटफॉर्म टू हेल्प इंडियन MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू रिकवर फ्रॉम COVID-19 पेंडेमिक। यानी कि किस बैंक ने हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें हक दर्शक MSME प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इंडियन MSMEs हैं उनको COVID-19 पेंडेमिक से रिकवर करने में हेल्प या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वह प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने। यानी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया है हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ।
इसके माध्यम से जो हब दर्शक एमएसएमई प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए जो इंडिया की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक से रिकवर करने के लिए। तो आपको याद रखना है ये जो फैसिलिटी है ये डीबीएस बैंक ने हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके जो एमएसएमई सेक्टर्स है उनको प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है, #GotYouCovered कैंपेन वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच इंश्योरेंस कंपनी, यानी एक कैंपेन है जिसका नाम #GotYouCovered। इस कैंपेन को किस इंश्योरेंस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम #GotYouCovered कैंपेन। देखिए इस कैंपेन की हम बात करें, इस कैंपेन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के ओकेजन पर इसको ऑब्जर्व किया। जो कैंपेन है ये 12 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने #GotYouCovered कैंपेन को लॉन्च किया है या इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक और कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है बहुत जरूरी है, यानी जो इंश्योरेंस है ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कैंपेन भी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया था। अब बात करें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं पराग राजा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $448 मिलियन टू गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान फॉर फाइनेंसिंग इन रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, यानी निम्न में से किस बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $448 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है जो फाइनेंसिंग के तौर पर रोड ट्रांसपोर्ट वाटर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में प्रोवाइड किए जाएंगे? तो ये किया है एक्सिम बैंक ने, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने उज्बेकिस्तान को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $448 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। ये जो फंड है उज्बेकिस्तान की रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सिम बैंक की। तो एक्सिम बैंक को फाउंड किया गया था 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा आपसे क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान कंट्री की कैपिटल और करेंसी क्या है? कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज पार्टनर विद एस वेयर टू लॉन्च एस मनी माइक्रो एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन सर्विस इन कोची केरला दैट इनेबल मनी विड्रॉल फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट फ्रॉम होम, यानी कि एस वेयर के साथ किसने पार्टनरशिप की है जिसमें इन्होंने मिलकर एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस को लॉन्च किया है कोची केरला में, जिसमें इनके कस्टमर घर से ही अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं? तो ये किया है आईसीआईसी बैंक ने, यानी आईसीआईसी बैंक ने एस वेयर के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें मिलकर इन्होंने एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस को कोची केरला में लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो आईसीआईसी बैंक के कस्टमर्स हैं वह अपने घर से ही अपना जो मनी है वह विड्रॉल कर सकते हैं, यानी ये एक ऐसी सर्विस है आईसीआईसी के सभी कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाएगी। यदि वह अपना फंड घर से ही अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करना चाहते हैं तो उन्हें मनी विड्रॉल जैसी जो फैसिलिटी है उन्हें घर पर ही डिलीवर की जाएंगी और इसके लिए 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। यदि जब वह अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कस्टमर को उनके डोर स्टेप पर ही जो मनी विड्रॉल जैसी फैसिलिटी है वह प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको याद रखना है आईसीआईसी बैंक ने इसके लिए एस वेयर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें मिलकर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस। अब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन है हम है ना या ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड इट्स न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एफएक्स फॉर यू टू हेल्प इट्स यूजर टू हैंडल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यानी निम्न में से किस बैंक ने एक नया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है एफएक्स फॉर यू। इसके माध्यम से जो इंटरनेट बैंकिंग के तहत जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन हैं उनको यूजर्स हैंडल कर सकता है? तो ये किया है कैनरा बैंक ने, यानी कैनरा बैंक ने एक न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है एफएक्स फॉर यू। इसके माध्यम से यदि कोई यूजर फॉरेन ट्रांजेक्शन को हैंडल करना चाहता है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन हैं उनको हैंडल कर सकता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये अंडर फेमा एक्ट 1999 के अंतर्गत काम करता है। तो आपको याद रखना है इस प्रोडक्ट को कैनरा बैंक ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम ई वायर सॉफ्ट टेक
प्राइवेट लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद यस बैंक लॉन्च्ड ई वायर यस बैंक प्रीपेड कार्ड, यानी किस प्रोग्राम के तहत ई वायर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया है यस बैंक के साथ, जिसमें मिलकर इन्होंने ई वायर यस बैंक प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये किया है केरला स्टार्टअप मिशन, यानी एक प्रोग्राम है जिसका नाम है केरला स्टार्टअप मिशन। इसके तहत ई वायर सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और यस बैंक ने पार्टनरशिप की है, जिसमें मिलकर इन्होंने ई वायर यस बैंक प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन दिसंबर 3rd वीक के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।